और इस वाले हाइप को आपको बनाने में एकदम जीरो कॉस्ट आएगा। आप घर में बैठे बैठे इस वाले हाइप को बना सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मधुमक्खियां इसमें बहुत अच्छे से रहती हैं और बहुत अच्छे से शहद बनाती हैं। तो इस हाइप के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरी लास्ट तक देखें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका द हनी बी फार्मिंग के एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं कितने तरीके का हाइव यूज़ करता हूँ। और ये वीडियो बहुत पहले से बहुत लोग मेरे से मांग रहे थे, वो कह रहे थे कि अब हमको देखना है मैं कितने तरीके का हाइव यूज़ करता हूँ। तो फाइनली मैं इस वीडियो को लेकर आ गया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने ये मॉडर्न बॉक्स दिखाया है, इसको खोला है। और ये जो मॉडर्न बॉक्स है वो सबसे ज़्यादा आजकल यूज़ होता है। आजकल आप कहीं पे भी चले जाएंगे तो कोई भी आपको ये मॉडर्न फ्रेम वाले बॉक्सेस ही दिखाएंगे। और ये बॉक्सेस यूज़ करना भी बहुत ईजी होता है। आपको कुछ भी चेक करना हो, मधुमक्खी की कंडीशन चेक करनी हो, अपने फ्रेम को चेक करना हो, जो भी आप चेक करना है बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। आपकी बीज आपकी कैसी वर्किंग कर रही है, ये सब आप चीज़ फटाफट देख सकते हैं। इसमें बीज एक्सट्रैक्शन बहुत इजी हो जाता है, इसमें इसको कैरी करना बहुत इजी होता है। यहाँ से वहाँ अगर रखना है तो बहुत ईजीली रख सकते हैं आप इसको। और ये बॉक्सेस भी बहुत सस्ते होते हैं, 1200-1300 रुपये में आपको ये मिल जाते हैं। अगर आपको ये चाहिए तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूँगा, अमेजन से आप ले सकते हैं, बहुत सस्ते में पड़ जाएगा। वैसे भी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ये शिप कर सकता हूँ, लेकिन 1200-1300 के मैं ही आपको दूंगा और शिपमेंट करने में एक्स्ट्रा आपको चार्जेस लग जाएंगे। तो अगर आप अमेजन से लेंगे तो काफ़ी सही रहेगा मेरे हिसाब से। और आगे चल के देखते हैं, चलो इनकी बीज की कंडीशन भी देख लेते हैं एक बार। तो आपको एक फ्रेम निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। आपको ब्रूडिंग वगैरह इन्होंने जो भी एगलिंग वगैरह कर रखी है मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रूडिंग इतनी शानदार करी हुई है, नेक्टर पूरा सील्ड है। और पलट के देखते हैं ज़रा इसको एक बार, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत शानदार एगलिंग करी हुई है, लार्वा स्टेज में पहुँच चुका है। और यहाँ पे मैं आपको पोलन थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ अच्छे से, और देख सकते हैं आप कि पोलन कितना अच्छे से इन्होंने डाला हुआ है पूरा। वैसे अब ऑफ सीजन हो गया है तो अब कुछ दिनों में इनका नेक्टर और पोलन सब खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर मेरे को इनको फीडिंग करानी पड़ेगी। और फीडिंग के बाद फिर ये वर्किंग वगैरह ठीक करेंगे, कमज़ोर नहीं पड़ेंगे फीडिंग से, जो इनकी कॉलोनी है वो स्ट्रांग ही रहेगी और ना ये भागेंगे। और इसी के साथ साथ मैंने ये फ्रेम भी रख दिया है गाइज। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको ओपन फीडिंग की कोई आपको एक वीडियो बना के दूँ तो मेरे को ज़रूर बताइएगा, मैं ओपन फीडिंग की आपको वीडियो ज़रूर भेजूंगा। और साथ ही साथ साथ गाइज अगली वीडियो आने वाली है लॉग हाइव कैसे बनाएं, उस चीज़ पे मैंने एक नॉर्मल सी हाइव बनाई है, वो आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग हाइव है। मतलब उसमें मैंने लॉग हाइव बनाने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करा है एक हर किसी के घर में लगभग होगा, और आप बहुत ही आसान तरीके से किसी भी ऐसे लकड़ी के टुकड़े को लेकर हाइव बना सकते हैं। ये मैं अगली वीडियो में आपको दिखा दूंगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस है उसमें भी कि ऑफ सीजन के टाइम पे मधुमक्खियाँ आ सकती है, तो ज़रूर देखिएगा आप। और गाइज अब बारी आती है अगले हाइव की, जो कि है लॉग हाइव। लॉग हाइव में दो तीन तरीके के इस्तेमाल करता हूँ। एक जो नॉर्मल जो पेड़ के टुकड़े होते हैं, लॉग्स होते हैं, उनको खोखला करके उनको बनाया जाता है। और दूसरे हो गए जो मैं प्लाई वगैरह को ठोक के बनाता हूँ। और तीसरे तरीके के हो गए जो मोटे से होते हैं, कम चौड़े होते हैं लेकिन उनकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है। तो इन तीन तरीके के लॉग हाइव का इस्तेमाल करता हूँ। और यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि मैं जो तीसरे तरीके के हाइव का इस्तेमाल करता हूँ, जो कि आप बहुत ईजिली बना सकते हैं, ये आपको मैं आगे जाके दिखाऊंगा। और आप ये बहुत ईजिली बना सकते हैं अपने घर में बैठे बैठे, ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि कैसे बना सकते हैं हम। तो चलिए अभी चलते हैं अपने लॉग हाइव पे, जो मैं आपको रेगुलर लॉग हाइव दिखाने वाला हूँ। ये सारे जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये सारे लॉग हाइव्स हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूँ डेली बेसिस पे। और जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसके बारे में बताने वाला हूँ, वो है ये वाला हाइव। और दूसरे तरीके की लॉग हाइव जो मैं यूज़ करता हूँ वो है वो जो वाइट वाली आपको हाइव दिख रही है, वो भी लॉग हाइव है, पर वो मैंने प्लाई से ठोक के बनाई है। तो एक वो लॉग हाइव भी है, और तीसरी वाली जो ये है जिसकी लेंथ कम होती है बट उसकी जो गहराई है, जो डेप्थ होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें बीज को प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आइए चलिए अब हम अपने हाइव की तरफ चलते हैं, जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ वो है ये। तो जो ये हाइव्स हैं ये ट्रेडिशनल हाइव्स होती हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा पहले से यूज़ होती हैं, मेरे दादा परदादों के टाइम से यूज़ होती है ये वाली हाइव। तो हम आज भी ये हाइव को इस्तेमाल करते हैं, और हमें अच्छा लगता है इस हाइव में शहद निकालना और अपने जो हमारी कल्चर है उससे जुड़े रहना हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम लॉग हाइव्स को यूज़ करते हैं। और एक भाई मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि लॉग हाइव की लेंथ और विड्थ क्या होनी चाहिए, तो मैंने उसके लिए भी इंस्टेप ला के रखा हुआ है ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि जो लॉग हाइव्स होते हैं उनकी लेंथ विड्थ क्या रखें हम। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं प्रॉपरली। तो चलिए सबसे पहले हम इसके लेंथ को मेजर कर लेते हैं।
तो इसकी जो लेंथ आई है सबसे पहले वो है ऑलमोस्ट 27 इंच, यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 इंच के आसपास आई है। 27 इंच का मतलब है 2 फीट 3 इंच के आसपास लेंथ होती है, वो मिनिमम 2 फीट तो होनी ही चाहिए। अगर 2 फीट से कम होगा तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि बीच उसमें रुकेंगी, तो एटलीस्ट 2 फीट जो उनकी लेंथ है वो होनी चाहिए। और यहाँ पर हम आपको विड्थ करके भी दिखा रहे हैं, तो विड्थ इसकी आई है ऑलमोस्ट 13 इंच। 13 इंच का मतलब है 1 फीट 1 इंच के आसपास, और 1 फीट 1 इंच में जो इसमें जो छेद का हिस्सा होगा वो लगभग 7-8 इंच के आसपास होता है, वो भी मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं इसका ढक्कन खोल देता हूँ, ढक्कन खोलने के बाद मैं आपको जो ये साइड का एरिया है इसकी लेंथ भी दिखाऊँगा, और इसके बाद फिर आपको बीच की लेंथ की एरिया भी दिखाऊँगा। तो सबसे पहले ये आपको मैं कोने का दिखा देता हूँ, तो ये 1.5 इंच के आसपास आ रहा है, तो 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच उधर, लगभग 3 इंच का एरिया इसने कवर कर रखा है। तो 1 इंच 13 इंच में से अगर आप 3 इंच कटा देते हैं तो इसका मतलब ऑलमोस्ट 10 इंच का एरिया है जो बीच का रहेगा। तो इसका मतलब जो अंदर की जो गहराई होनी चाहिए वो 10 इंच के आसपास होनी चाहिए, तो वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। फिलहाल मैं आपको अंदर की कंडीशन दिखा देता हूँ, और आप देख सकते हैं कि अंदर बीच किस तरीके से जा रखी हैं। अभी आपको इतने ज़्यादा वैक्स नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, छत्ते वगैरह इतने नहीं दिख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि अभी ऑफ सीज़न है और बीज ने एकदम ज़्यादा भर के नहीं रखा हुआ है यहाँ पे। जब सीज़न का टाइम होता है तो जो इनके छत्ते होते हैं वो कोने एकदम ढक्कन तक पहुँच जाते हैं, वो आप मेरी हनी एक्सट्रैक्शन वाली वीडियो में भी देख सकते हैं, उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो में देखना कि जो छत्ते हैं वो एकदम लास्ट तक आ रहे थे और उनमें शायद एकदम भर रखा था, तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब साथ ही साथ हम इसका जो कंडीशन है वो भी हमने चेक कर लिया है लगभग, तो अब मैं आपको जो इसके बीच की गहराई की जो विड्थ है वो भी आपको दिखा देता हूँ एक टेप से नाप के। तो यहाँ पर आपको मैं नाप के दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं आपकी लगभग 10 इंच आया है। तो जो इसकी विड्थ होती है जिसमें मधुमक्खियाँ रह रही हैं वो ऑलमोस्ट 10 इंच की हैं, और जो इसकी हाइट है वो 8 इंच आपको दिख रही है। तो ये हाइट तो ऑलमोस्ट इतनी ही रहती है, 8 से 10 इंच ये वैरायटी कर सकती है। अगर आपकी इसकी हाइट ज़्यादा है हाइव की तो लेंथ आप कम करेंगे तो दिक्कत नहीं हो सकती। अगर इस लॉग हाइव की अगर हाइट आपकी 1.5 फीट के आसपास होती तो आप जो इसका लेंथ है वो 2 फीट से अगर थोड़ा कम भी होता, 1.5 फीट के आसपास भी होता तब भी चल जाता, बट अगर इसकी हाइट अगर कम है तो इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग आपको 2 फीट ही चाहिए होती है, नहीं तो मधुमक्खियाँ बहुत कम लास्ट करती हैं इसमें। अब आते हैं हम अपनी तीसरे तरीके के हाइव पे, जो कि मैं आपको बता रहा था कि आप आराम से अपने घर में भी बना सकते हैं, बड़े इजीली बना सकते हैं, तो वो है ये वाली हाइव, जिसको बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने थोड़ा ईंट और मिट्टी का ही प्रयोग किया था। ये जो हाइव है वो हमने एज ए एक्सपेरिमेंट ही बनाया था, ये देखने के लिए कि क्या इसमें मधुमक्खियाँ आएंगी नहीं आएंगी। पर ना सिर्फ इसमें मधुमक्खियाँ आई, पर उसमें इतने अच्छे से वर्किंग करी है मधुमक्खियों ने और इतने अच्छे से रही हैं, और सबसे लॉन्गेस्ट जो हमारी मधुमक्खियाँ किसी अगर हाइव में टिकी हैं वो तो इसी हाइव में टिकी हैं सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टाइम के लिए, और जो इसमें जो शहद प्रोड्यूस करती हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से करती हैं। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, हम इसको खोलते हैं पीछे की तरफ से। मैंने यहाँ देख सकते हैं आप एक फट्टा लगाया, उसके फिर मैंने कपड़ों से कवर किया था और ऊपर से कट्टा लगा दिया था ताकि बरसात के टाइम पर उसमें पानी ना जाए अंदर पर। तो जैसे मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, मैं तो खोल के आप देख सकते हैं कि ये एक मैंने एक सुपर की तरह ऊपर एक लगाया हुआ है, मेन जो इनका है वो नीचे वर्किंग है और ऊपर ऐसा सुपर होता है, तो जब ये नीचे फुल हो जाता है तो ऊपर ये हनी वगैरह ऊपर डालते हैं। तो अभी आप खुद भी देख सकते हैं जो इसमें जो कॉलोनी है वो कितनी स्ट्रांग है, आप देख सकते हैं ऑफ सीजन में भी वो इतनी स्ट्रांग नज़र आ रही है। मैंने फ्लैश करके आपको थोड़ा अच्छे से दिखाने की कोशिश करी है, और यही नहीं सिर्फ जो हमने इस बार सबसे ज़्यादा शहद निकाला है वो भी इस वाले हाइव में से निकाला है, हमने लगभग इस हाइव से 6 या 7 किलो हमने हनी निकाला है इस सीज़न। और हम इसलिए आजकल ज़्यादा से ज़्यादा इस वाले हाइव को घर में बना रहे हैं क्योंकि इस वाले में जो शहद का प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ठंडियों के टाइम पे ये गर्म रहता है, गर्मियों के टाइम पे ठंडा रहता है, तो जो मधुमक्खियाँ वो ज़्यादातर यहाँ पे खुश रहती हैं, यहाँ से निकलती नहीं सोचती। और इसमें हम क्वीन गेट भी बहुत ज़्यादा कम लगाते हैं, मधुमक्खियाँ ओवरऑल यहाँ पर बहुत खुश रहती हैं, और इसकी जो बनाने की जो मेरे को पैसे लगे वो ऑलमोस्ट 0 है। तो एकदम घर पर बैठे बैठे मैं इसको बना रहा हूँ बिना किसी पैसे लगाए, 1 रुपये लगाए, और इसमें मधुमक्खियाँ मेरे को शहद भी ज़्यादा दे रही है, तो ये ओवरऑल मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मैं आपको इसकी वीडियो ज़रूर बना के दूंगा। यहाँ पे मैंने आपको अभी सुपर की जो क्लिप दिखाई है वो भी आप देख सकते हैं, जो अभी यहाँ पे ऑफ सीज़न है तो इसमें सुपर में कुछ भी नहीं है, बट जब सीज़न का टाइम था यहाँ से इन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा शहद दिया था, लगभग मैंने जितना शहद निकाला था सुपर से निकाला था, क्योंकि नीचे की तरफ का शहद तो मैं निकालता ही नहीं, वो मधुमक्खियों के लिए छोड़ देता हूँ। मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में बता रखा है कि मैं सारा शहद नहीं निकालता हूँ। तो गाइज़ मैं जितने तरीके की हाइव्स
यूज़ करता था मैंने आपको आज दिखा दिया है। मैं इन्हीं तीन तरीके के हाइव्स यूज़ करता हूँ, पहला जो कि था जो मॉडर्न बॉक्सेस यूज़ होते हैं, दूसरा लॉग हाइव्स, और तीसरा जो कि ये हमने घर पे बनाया था, एक एक्सपेरिमेंटल हाइव था जिसको हमने खाली एक ईंट और मिट्टी के हिसाब से बनाया था, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी हाइव है। तो ये तीन तरीके के हाइव्स हैं, और मैं आपको एक और हाइव दिखा सकता हूँ आपको, जो मैंने स्टिंगलेस बीज को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया, वो भी एक एक्सपेरिमेंट के रूप पर ही मैंने बनाया। तो चलिए आपको मैं वो दिखाई देता हूँ एक बार। उससे पहले मैं ज़रा इस वाले हाइव को बंद कर दूँ ढक्कन लगाकर, और अच्छे से एकदम कपड़े से कवर करके मैं इसको बंद कर देता हूँ, फिर मैं आपको चौथी वाली दिखाऊंगा। वो भी मैंने एक तरीके से एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही उस हाइव को बनाया है, उसमें मैंने देखने के लिए कि क्या स्टिंगलेस बीज उसमें अट्रैक्ट होंगी नहीं होंगी, और वो है ये वाला। तो ये वाला हाइव देख सकते हैं, इसको मैंने स्टिंगलेस बीज को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया है, और अगर इसमें कोई स्टिंगलेस बीज अट्रैक्ट होती है तो मैं आपको उसके बारे में भी ज़रूर बताऊँगा। और अगर आपको जानना है कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ या मैंने ऐसा क्या किया है जिससे स्टिंगलेस बीज अट्रैक्ट हो सकती हैं, तो मैं उसकी वीडियो आपको जल्दी बना के दूंगा। और बस मेरे को आप ये सब कमेंट सेक्शन में बता देना, और मेरे को ज़रूर बताना कि आपको वीडियो पसंद आई नहीं आई, क्योंकि आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके फीडबैक से ही मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है नहीं आ रही। तो अगर आप मेरे को बताएंगे नहीं तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि मैं ऐसा कंटेंट आगे बनाऊँ नहीं बनाऊँ। तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में पक्का बता देना कि मैं इस टाइप की वीडियोज़ और लाऊँ नहीं लाऊँ, और क्या आप इस वाले हाइव की वीडियो चाहते हैं कि नहीं चाहते कि मैं आपको बना के दिखाऊँ कि कैसे बनाएं इस हाइव को। और आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलेंगे ऐसी किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost.